नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, एनसीसी लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों, नागा अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है, 24/11/2022 को 80 रुपीज के ऊपर कारोबार कर रहा है दोस्तों। शेयर बाजार निफ्टी 50 18,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है और स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयरों में भी तेजी बनी हुई है। तो एनसीसी लिमिटेड की बात करते हैं, नागा अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं और स्टॉक में तेजी है दोस्तों। तो इसके फाइनेंशियल नंबर को चेक करते हैं और दूसरी तिमाही के उसमें कितना टोटल इनकम रहा है, रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है, ऑर्डर बुक क्या रहा है, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, इन पॉइंट्स की बात करते हैं और मार्केट कैप और बुक वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों। और एनसीसी लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस 80 रुपीज़ के ऊपर कारोबार कर रहा है तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे दोस्तों। तो जिनके पास एनसीसी लिमिटेड है, तेजी तो बनी है, ऊपर की तरफ स्टॉक गया है, तो सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। एनसीसी लिमिटेड की ये दूसरी तिमाही के नतीजे हैं और अर्निंग की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं तो रेवेन्यू देखिए 3,373 करोड़ का हुआ था Q2 ऑफ FY23 में 30/9/2022 के क्वार्टर में, और टोटल इनकम जो एनसीसी का था वो था 3,405 करोड़ का दोस्तों, और Q1 में था 3,350 करोड़ का और एक साल पहले 2,600 करोड़ का था। तो 2,600 करोड़ से बढ़कर 3,405 करोड़ का टोटल इनकम आया था एनसीसी लिमिटेड का। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए जो प्रॉफिट था एनसीसी का, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट जो आया है 137 करोड़ का प्रॉफिट रहा था एनसीसी का दोस्तों। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 137 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों, और 137 करोड़ का Q1 में भी था और एक साल पहले 122 करोड़ का था। तो मुनाफा सालाना एक तरह से बढ़ा था दोस्तों। और अर्निंग पर शेयर की बात करते तो और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.08 का है और Q1 में 2.13 का था और एक साल पहले 1.87 का था। तो अर्निंग पर शेयर EPS भी बढ़ा था Q2 में। तो Q2 में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एनसीसी लिमिटेड का, टोटल इनकम 3,405 करोड़ का और जो प्रॉफिट था 137 करोड़ का था दोस्तों। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 5,085 करोड़ का मार्केट कैप है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 93 का, अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ ये कारोबार कर रहा है और डिविडेंड यील्ड है 2.47 का और अर्निंग पर शेयर है 9.23 का दोस्तों। तो डिविडेंड भी कंपनी के द्वारा दिया जाता है एनसीसी के द्वारा। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न 34% का है और 1 साल का रिटर्न 5.81% का है और 3 महीने का रिटर्न 17.31% का है दोस्तों। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है सितंबर 2022 तक 21.99% का है और इसमें प्लेस है 11.14% का दोस्तों, और FIs की जो होल्डिंग है इसमें 12.8% की है और DIs की जो होल्डिंग है वो है 13.1% की दोस्तों। तो ये प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न था। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे। तो दूसरी तिमाही में इम्प्रूवमेंट रहा है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 80 रुपीज़ के ऊपर कारोबार कर रहा है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एनसीसी लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का ग्राफ है दोस्तों, और 80 रुपीज़ में ये कारोबार कर रहा है 24/9/2022 को। पूरे साल भर की बात करते हैं मात्र 6% बढ़ा है और आज इसमें तेज़ी आई है दोस्तों। और ग्राफ की तरफ अगर हम ध्यान दें तो पिछले साल ये देखिए 76 रुपीज़ में था, ये 80 रुपीज़ के ऊपर गया नहीं दोस्तों, 80 रुपीज़ के आसपास तक गया तो उसके बाद गिरावट ही रही। तो अंडर परफॉर्म किया इसने 6 महीना और लो बनाया 52.20 रुपये। देखिए ये जो लो बना था इसका, ये जून के महीने में बना था दोस्तों, नीचे की तरफ आ गया था ये जून के महीने में, जून 2022 में। अब स्टॉक थोड़ा बहुत देखिए ऊपर की तरफ आया है, ऊपर की तरफ आया है। सितंबर में 74 रुपीज़ तक पहुँचाई है, उसके बाद गिरावट आई नीचे की तरफ 67-65 रुपीज़, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ है दोस्तों। तो एक तेज़ी तो बनी है पिछले 5-6 महीने के अनुसार। इससे पहले एक तरह से गिरावट थी इसमें, अंडर परफॉर्म किया है इसने, अब तेज़ी बनी है दोस्तों। जिन्होंने लोअर लेवल पर स्टॉक को लिया है तो 80 रुपये के ऊपर अगर ये कारोबार करता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा इसका 85 से 87 का लेवल होगा,
और 87 के ऊपर अगर ये कारोबार करता है तो 90 रुपीज़ तक ये जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों, 90 रुपीज़ प्लस होता हुआ दिख सकता है और अच्छी एक तेज़ी बन सकती है दोस्तों, इसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। बट इसमें करना क्या है कि एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। काफ़ी उतार चढ़ाव वॉलेटाइल वाला स्टॉक है, मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो अचानक से नीचे आ जाता है दोस्तों। पिछले अगर ये ग्राफ आप देख रहे होंगे तो जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरे दिन गिरावट आ जाती है, तो इस तरह का है स्टॉक है दोस्तों ये। तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉक स्टॉप लॉस अपना करना चाहिए। जैसे कि अभी इस वक्त की बात करें तो 76.85 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब तो 80 के ऊपर आया है तो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत बढ़ा लेना चाहिए 2-3% का, और स्टॉक जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो अपना प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस को बनाए रखना चाहिए ताकि प्रॉफिट ना जाए दोस्तों। तेज़ी तो बनी है पिछले 6 महीने के अनुसार, तो आगे 1-2 महीने में और तेज़ी रह सकती है। अगर गिरावट होती है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। नतीजे भी एक तरह से इम्प्रूवमेंट रहा है और स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयरों में एक तरह से तेज़ी भी आ रही है। तो एनसीसी लिमिटेड ने जो पिछले 6 महीने अंडर परफॉर्म किया था, अब जो है पिछले 4-5 महीने से एक तरह से तेज़ी है, बुलिश मोड में है, तो ऊपर की तरफ 90+ अपने बुक वैल्यू के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा और थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों। तो जिनके जिनके पास है हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और जो कम समय के लिए ट्रेड लेते हैं तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए दोस्तों ताकि प्रॉफिट ना जाए। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस है और कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी, और दूसरी तिमाही में इम्प्रूवमेंट रहा है। तो 52-वीक हाई बनाया है एनसीसी ने, 24/11/2022 को एक ब्रेकआउट मिला है टेक्निकली, और स्टॉक में और तेजी की संभावना रहेगी दोस्तों। ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो एनसीसी लिमिटेड का जो ऑर्डर बुक है 30 सितंबर 2022 तक 40,020 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 40,020 करोड़ का ऑर्डर बुक है दोस्तों। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।